एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 5 ए बी सी डी, यहाँ फर्स्ट ऐड उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ऐड यहाँ पे तीन टर्म्स है ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों का एडिशन करेंगे ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, अरे इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक। सेम वे में चारों चार के आंसर लाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पी इंटू पी माइनस क्यू, तो पी को मल्टीप्लाई करते हैं पी से, पी से तो पी स्क्वायर, और पी को माइनस क्यू से तो माइनस पी क्यू ठीक है। उसके बाद क्यू को क्यू माइनस आर से, तो उसका आंसर आएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, थर्ड में आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब सबका एडिशन करना है ठीक है। तो यहाँ पे देखे तो कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, सपोज पी स्क्वायर है तो कोई और पी स्क्वायर नहीं है, पी क्यू है तो कोई और पी क्यू नहीं है ठीक है, क्यू स्क्वायर है तो कोई और क्यू स्क्वायर नहीं है, क्यू आर है तो कोई और क्यू आर नहीं है, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर नहीं है और आर पी में आर पी नहीं है ठीक। तो ठीक है हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, यही इसका आंसर है, लेकिन हम स्क्वायर को आगे ले और सिंगल टर्म को पीछे भी ले सकते, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थोड़ा बेटर लगे, इसलिए माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये हो गया इसका सम एडिशन। उसके बाद है सेकंड ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं टू एक्स इंटू जेड, तो टू एक्स जेड, फिर टू एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद टू एक्स इंटू माइनस वाई, तो माइनस टू एक्स वाई, दूसरा टर्म में टू वाई इंटू जेड, तो टू वाई जेड, टू वाई इंटू माइनस वाई, तो माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ठीक। और इन दोनों का एडिशन करना है ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ। तो टू एक्स जेड, एक्स जेड वाली कोई टर्म है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो टू एक्स जेड, उसका एक्स स्क्वायर पर भी एक ही टर्म है, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई वाली टर्म माइनस टू एक्स वाई एंड माइनस टू एक्स वाई, तो माइनस फोर एक्स वाई ठीक है। वाई जेड में से एक ही है, तो टू वाई जेड, और वाई स्क्वायर भी एक ही है, तो माइनस टू वाई स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं ठीक है, तो स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट, माइनस टू वाई स्क्वायर, माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। उसके बाद है थर्ड वन, सब्ट्रैक्ट करना है ठीक। तो पहला ये वाला हम लिख लेते हैं फोर एल इंटू, सिंप्लीफाई कर देते, तो थ्री एल इंटू एल, थ्री एल स्क्वायर, थ्री एल इंटू माइनस फोर एम, तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व एल एम, थ्री एल इंटू फाइव एन, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन एल एन, सब्ट्रैक करना है इसमें से फोर एल इंटू टेन एन, टेन इंटू फोर फोर्टी एल एन, फोर एल इंटू थ्री एम, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व एल एम, फोर एल इंटू ट्वेल्व, फोर इंटू टू एट एल स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक करना है, तो फोर्टी एल एन माइनस ट्वेल्व एल एम प्लस एट एल स्क्वायर ठीक है। अब जो टर्म होगी वही टर्म वाली हम लिखेंगे, एल एन की टर्म ये, तो फिफ्टीन एल एन, उसके बाद है एल एम, तो माइनस ट्वेल्व एल एम, उसके बाद एल स्क्वायर, तो प्लस थ्री एल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक करना है, तो यानी कि इसकी जो साइन है वो चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब सिंपल एडिशन, फोर्टी माइनस फिफ्टीन, तो आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव, माइनस ट्वेल्व एल एम प्लस ट्वेल्व एल एम जीरो एल एम, एट एल स्क्वायर माइनस थ्री एल स्क्वायर, तो फाइव एल स्क्वायर ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, जीरो एल एम की जगह हम जीरो लिखे तो भी सही है। उसके बाद है लास्ट डी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो थ्री ए इंटू ए, थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए इंटू बी, थ्री ए बी प्लस थ्री ए इंटू सी, थ्री ए सी, यहाँ पर माइनस टू बी इंटू ए, तो माइनस टू बी ए, उसके बाद माइनस टू बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस टू बी स्क्वायर, माइनस टू बी इंटू सी, तो माइनस टू बी सी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, फोर सी इंटू माइनस है, तो माइनस फोर ए सी,
4c into b तो plus 4cb 4c into c तो plus 4c square ठीक है। अब ये जो टर्म्स है ये जहां पे भी आती है ये सब पहले लिखेंगे, तो ac वाली कोई टर्म है, हाँ ये है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3ac, cb वाली कोई टर्म ये वाली bc और cb ये सेम ही है, तो माइनस 2 cb सिस्केयर वाली टर्म कोई नहीं है तो जीरो सिस्केयर। अब जो बाकी की टर्म्स है उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं जो बाकी है वो, तो 3a स्क्वायर 3ab ac आ गया ठीक है, ba बाकी है तो माइनस 2ba और प्लस 2b स्क्वायर ठीक है, 2b स्क्वायर की जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी हर एक साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ठीक, तो यहाँ तो ऊपर जीरो है तो इसे डायरेक्ट माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस थ्री ए सी तो माइनस सेवन ए सी, फोर सी बी प्लस टू सी बी तो सिक्स सी बी, फोर सी स्क्वायर माइनस जीरो सी स्क्वायर तो प्लस फोर सी स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो ये जीरो माइनस थ्री ए स्क्वायर तो माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी तो प्लस टू बी, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।